इंतजार कर रहे हो, इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं, दिल बजाए सीने की आंख में धड़कता है। आप कितने योग्य हो इस बात का पता चलता है आपकी विपरीत परिस्थिति के समय। आप विपरीत परिस्थिति में उस परिस्थिति को कैसे टैकल करते हो, यही एक व्यक्ति किसकी जिंदगी में नहीं आती। हमने कभी सोचा नहीं था उन कोचिंगों को हमें अचानक से छोड़ना पड़ा, सोचा ही नहीं था कि कभी छोड़ेंगे इसको। अचानक से एक सिचुएशन ऐसी पैदा हुई कि छोड़नी पड़ी, लेकिन उस सिचुएशन से हम कैसे उभरे। जब नई कोचिंग में गई वही जीरो था, गर्त में गई कोचिंग, अब उस कोचिंग को कैसे उठाना, उस चीज को उठाना, बस यही तो मैंने। आपने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ाई भी छोड़ दी होगी, आपकी पढ़ाई भी बंद हो चुकी होगी, और अब अचानक से 2 महीने बाद एग्जाम, अब आप इस चीज को कैसे अपने उन 5,000-7,000 स्टूडेंटों के अंदर आए, कैसे हम टॉप स्कोर करें, कैसे मैं सिलेक्शन करूं, इस 2 महीने की सिचुएशन में आप क्या प्लानिंग करते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है दोस्तों, अरबों खरबों रुपये होते हैं उनके पास। जब वो अपनी कंपनी के लिए मैनेजर ढूंढते हैं ना, तो वो ये नहीं पूछते कि हमें कितना कमा के दोगे। अरे अरबों खरबों की कंपनी है, ये तो बात थोड़ी पूछेंगे वो। वो ये पूछते हैं कि मान लो हमारी कंपनी गिर गई, उस दिन कंपनी को कैसे उठाओगे, तरीका बताओ। हमारा प्रधानमंत्री कैसा है, आज जीडीपी गिर गई, इस जीडीपी को हमारा प्रधानमंत्री कैसे उठाएगा। बस इससे ही पता चलेगा कि बंदे में कितना दम है। मनमोहन सिंह के समय हुआ था, उन्होंने उस समय लोन देना शुरू किया, ऐसे करके सरकारी टीचरों को लोन वगैरह करके, और अपनी जीडीपी वापस उठाई थी। वो ही डिपेंड करता है कि बंदे में दम है कि नहीं है। किसे पता था कि जीडीपी इतनी गिर जाएगी कि दिखाई नहीं देगी। अब आपके अचानक पेपर दे दिया, आपको तारीख दे दी, तैयारी आपकी नहीं है, अब तैयारी करनी, क्या शेड्यूल करना, आप टॉप पे कैसे आओगे। ये सिचुएशन जो है ना, इससे जो निकल गया ना, वही आगे सफल होता है। हर आदमी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि सब कुछ अचानक से आता है। अब अचानक पे आप क्या करोगे भाई। मैं ऐसी कई उदाहरण है मेरे पास, किताब का मैंने नाम चेंज किया, फिर मैं टॉप पे आ गया। लॉकडाउन के समय ऐप की सारी सारी ग्रोथ रेट गिर गई थी ऐप की, मैंने वापस ऐसी स्कीमें तैयार की, वापस हम टॉप पे आ गए ऐप में। मैं अपनी क्षमता रखता हूँ, मैं आज भी जीरो से शुरुआत करके टॉप पे जाने की क्षमता रखता हूँ। किसी से राय नहीं लेता, किसी से कुछ नहीं, कैसे जाना है अब ये तो आप, लेकिन सोचना तो पड़ेगा, रात को सोते हुए सोचना तो पड़ेगा कि यार कैसे टैकल करूँ मैं इस सिचुएशन से, कैसे निपटूँ कि मैं 2 महीने के अंदर ही ले आऊँ अच्छी रैंक। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 2 महीने 3 महीने पढ़ के, मैं ला सकता हूँ ऐसे बच्चों को आपके सामने, मेरे पास पढ़े हुए बच्चे हैं जो 3 महीने में राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हुए, और मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं जिन्हें 3 साल हो गई सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरु जी ये क्या है, 3 महीने वाला हो गया तेरे? क्योंकि डिपेंड करता है कि लास्ट टाइम में आप कितनी मेहनत करते हो और कितनी अपनी नजरों के सामने से निकाल पाते हो। 3 साल की तैयारी, 3 महीने की तैयारी, ये डिपेंड नहीं करती। 3 महीने में भी बहुत कुछ कर सकते हो, 2 महीने आपके पास, लेकिन एक अच्छा मैनेजमेंट और अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ो तो 2 महीने में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट हैं, सारे प्रकार के हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आप अब घर पे बैठे हो। अब आपको सोचना है कि आपके घर पे तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही भी, मुझे क्या पता भी, आपके घर का मुझे नहीं पता। जिस जो बंदा वर्तमान में घर पे है और 12 घंटे 10 घंटे, आप पूछेंगे सर कितना घंटा पढ़ना सिलेक्शन हो जाए, अरे तो यार पढ़ाई में तू क्या घंटा देखे। पढ़ने वाला भगवान की भक्ति करने वाला कभी समय नहीं देखता, और जो पढ़ते पढ़ते टाइम देखते हैं ना, वो उनका सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ते पढ़ते टाइम देखो और तब को, और 3 घंटा होगी मन पढ़ता, तब होता है सिलेक्शन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई करते समय वो लास्ट टाइम आता है कि अब सोएंगे यार, उस समय आप बल्ब को बंद करते हो, बंद तो करोगे, चालू ही रखो, हाँ गुरु जी बंद करा। उस समय जब आप बल्ब को बंद करते हो, उस समय दिमाग में 2 बातें आती है, ध्यान रखना दोनों बातें। कौन सी बात आ रही है, एक बात तो ये आती है कि मैं और भी पढ़ सकता हूं, और फिर आपने बल्ब बंद किया सो गए, सिलेक्शन नहीं होगा। फिर एक दूसरी बात दिमाग में आएगी कि यार अब कौन पढ़ सको यार, अब मैं पढ़ूंगा तो बावड़ हो जाऊंगा यार, पागल हो जाऊंगा, ज्यादा मेरू कौन पढ़ी जब मैं सोऊंगा। आप एकदम सही ट्रैक के ऊपर हो। 90% बच्चे वो हैं कि ठीक है रे गणो ही हो गयो रे, आज तो रान काटती 3 पे चांगी, चलो अब सोएंगे, बल्ब बंद, सोएगो नहीं,
फिर मोबाइल चालेगो, व्हाट्सअप चालेगो, फेसबुक चालेगो, यूट्यूब चालेगो, उनका नहीं होता। और जो बल्ब बंद करते ही तुरंत सो गया उनका होगा। अब आप पे डिपेंड है कि आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो दो महीने में। क्या आप मैनेजमेंट का कुछ सोचा है?